ये सही है। अब आप सब भी बताना क्योंकि मैं वॉइस ओवर करूंगी क्योंकि आवाज नहीं आएगी इतनी दूर से। दोबारा से चलो। हेलो एवरीवन, तो मैं आप सबको दिखाने जा रही थी ऊपर का और तभी मेरी नज़र इस पे पड़ी कि मैं पूरे बर्तन साफ करके आई हूँ और ये बच्चों ने दही खाई है और जो भी बच्चों ने बना के पिया है, क्या बना के पिया है पता नहीं, और इन्होंने यहाँ पे ये कर रखे हैं बर्तन इकट्ठे। और दिमाग में भी मैं तब से ही ले जाती इन्हें तो ठीक था। सब चीज़ तैयार करके आई हूँ, रसोई मेरी इसलिए फैली पड़ी है और पैर से पोछा लगा के अभी पोछा भी यूं पड़ा हुआ है, पैर से पोछा लगाया है इस टाइम, पोछा भी यूं पड़ा हुआ है। और अब चलते हैं ऊपर, ऊपर का देखते हैं नज़ारा कैसा है और ऊपर वीडियो बनानी थी मुझे क्योंकि ऊपर का मौसम देखना था कैसा है क्योंकि मैं भी अब आई हूँ और पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हो बैट बॉल खेल रहे तो गेट पर नहीं दिखा रही मैं तुझे। और ये पीछे उपला उपला रख लेते हैं ना, और कूलर रखा हुआ है ठीक है एकदम कूलर, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। दीसू और दीसू पापा खेल रहे हैं बैट बॉल, दीसू छुप रहा है और ऐसा हो रहा है ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं, ऐसा हो रहा है आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। चलो अब मैं आपको ऊपर ला के ही दिखा रही हूँ, हट जाओ ये देखिए हट जाऊँ और थोड़ा सा और दिखाती हूँ फिर चलते हैं। मैं आटा लगा के आई हूँ और आलू उबाल के पूरा सब कुछ तैयार करके आई हूँ, मैं सब नीचे जाके कचौड़ी बनानी है। हेलो माधव, हेलो माधव कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, अच्छे नहीं है, सही है या अच्छे हैं? और ये माधवर के पौधे हैं बहुत अच्छे हैं। और मम्मी पापा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं मम्मी पापा? चाय पी रहे हुए थे, चाय पी रहे थे तो मम्मी पापा चाय पी रहे हैं माधव के। और हम चलते हैं अब नीचे, ये हमारे पौधे हो रखे हैं यहाँ पे और मुझे कुछ और भी देखना था क्योंकि हमारा एक पौधा कौन सा था हो रहा है यहाँ पे हमने लगाया था। मम्मी कैसे लेके आए थे हम पुदीना और हो रखा हमारा थोड़ा थोड़ा पुदीना मैंने यहाँ रख दिया था दीदी ने बोला था। तो अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में नीचे जाके, तो चलते हैं नीचे। हो गया और दीसू ऊपर यादों का कचौड़ी बनाना चूल्हे पे, बारिश का बता देना मुझे, ऊपर ही बनाएंगे ऊपर अच्छी हवा चल रही है, नीचे बहुत गर्म हो रहा है, मतलब ऊपर क्लियर आता है फोटो मतलब वीडियो भी अच्छी आती है, नीचे एकदम वो अंधेरा होता है ना इसलिए। और चूल्हा में, चूल्हे में भी रात भी पड़ी हुई क्योंकि मैं यूज उठा के रख के चली गई थी जैसे बारिश आने वाली थी। और अभी साफ करेंगे, पहले चूल्हा पोतेंगे फिर करेंगे जो नॉर्मली मसाला डाला था, वीडियो नहीं बनाई थी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और ही मसाला होता है जो मेरे पास और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी और आप सबके साथ कचौड़ियाँ शेयर करेंगे। अभी मेरा प्रोग्राम बना है कि चूल्हे पे बनाएंगे, तो क्योंकि ऊपर हवा चल रही है और नीचे बहुत गर्माहट, बहुत गर्मी बहुत है अभी बारिश होने के बाद भी। दोस्तों तेल तो जैसे आपने देखा है मैंने डाल लिया इसमें सुखा के कढ़ाई में, अब लेके चलते हैं ऊपर। और ये मैंने ऊपर ले जाने के लिए दही और चटनी और पिट्ठी ले ली है। और एक चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है, जो मैंने पोछा लगाया था पैर से वो रह गया है, वो मैं साफ करके रख देती हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से कुछ ही देर में। तो हेलो गाइस, अभी मम्मा चूल्हा साफ कर रही हैं तो मैं अभी पोत रही हूँ मैं चूल्हा और झाड़ू लगा लूँगी यहाँ, मुझे ऊपर थोड़ा ठंडा लग रहा है, सही लग रहा है, तो कचौड़ियाँ ऊपर ही बनाएंगे क्योंकि आज हमारा खाने का पीने का भी आ चुका है। और जो है बस ये उठा के हिमांशी रखेगी। और तो ये गाइस मम्मा चूल्हा साफ कर रही हैं यानी पोत रही हैं, चूल्हा पोत दिया है और अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सामान जो हमारा लाना था वो हम लेके आ चुके हैं और ऊपर थोड़ा ठंडा लग रहा है तो इसलिए हम ऊपर ही बनाएंगे क्योंकि आज बारिश हुई है। और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे कि कचौड़ी बनाएंगे, मैं सामान लेके आ चुकी हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि बारिश बेशक हुई है लेकिन गंदा हो गया बारिश से बहुत ज़्यादा।
हाँ ये देखो पूरी धुली हुई पड़ी है, और यहाँ हम साफ कर लेते हैं यहाँ से। और ये रहा हमारा सामान खाने पीने का, और अभी हम लोग साफ करेंगे छत को। मैं झाड़ू लगा देती हूँ और ये उठाएगी हिमांशी अभी। यस ये रखूँगी मैं। तो अभी बात करते हैं बाद में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। यस बाय बाय। तो ये मम्मा झाड़ू लगा रही है। ये देखो रेत, देखो बारिश जो ये आंधी आई है ना, ये आंधी का रेत है। ये बारिश का रेत नहीं, ये बारिश का नहीं, ये आंधी आई है ना। पहले आंधी आती है, पहले आंधी फिर बारिश। मानसी वीडियो बेटा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और बहुत तेज बारिश आई थी। अब हम झाड़ू लगा के लेते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको कैसे आंच बलाने का अपना टैलेंट दिखाएंगे आज आप सभी को, ठीक है जी, बगैर मिट्टी के तेल के। और उपले भी गीले हो रखे हैं क्योंकि पछाड़ आई होंगी, पता नहीं उपले जलेंगे नहीं जलेंगे, हमें खुद नहीं पता, हमें खुद ही नहीं पता इनका। बाकी हम कोशिश करते हैं। हिमांशी माचिस भी है ना, माचिस तो ऊपर ही थी पर वो भी गीली हो गई होंगी। और ये जो थैली बची हुई थी दही की वो भी ले आइए हिमांशी। नहीं है माचिस, माचिस देख रही हूँ, देखना अगर हो तो। तो अभी अभी मैंने व्हाट्सअप चेक किया है, तो मेरी एक भाभी का, थैंक यू सो मच भाभी, तो भाभी का मैसेज आ रखा है कि आज का व्लॉग कहाँ है। तो अभी व्लॉग हम अभी हमने जवाब नहीं दिया भाभी को क्योंकि वीडियो चालू थी, इसलिए समझ जाएंगी कौन भाभी है हमारी। कई बहन भाइयों ने आज पूछ, थैंक यू सो मच भाभी और सभी को। मेरी एक भाभी ने तो फ़ोन करके पूछा था, और एक भाभी का मैसेज लंबा चौड़ा मैसेज आ रखा है, उन्होंने वेट किया होगा अब तक। तो अभी उन्हें ये पिन्नी से जला रही हूँ मैं, और आज का मुझे पता नहीं, वैसे तो आप डेली देखते हो कितनी अच्छी आँच होती है इससे, लेकिन आज इस तरह से जलाती हूँ। एक दीदी ने पूछा था तो उन्हें पहले मैं व्हाट्सअप पे जवाब दे देती हूँ कि मैं आराम कर रही थी तबीयत खराब, तो अब तो आराम है, तो आराम किया था मैंने आज, इसलिए आज ब्लॉग नहीं आया, आज तैयारी कर रही हूँ। और एक तो आपसे बात कर ली थी, और एक ये बन रहा है, और वीडियो तो और भी हैं, एडिट नहीं किए मैंने। बहुत अच्छी बनेगी, एक तो मौसम भी ख़राब है ना, पता नहीं आज क्या होगा, पर हम आ गए हैं ऊपर क्योंकि ऊपर है ना। और मैं कढ़ाई भी ले आई हूँ तेल की, ये देखिए तेल की कढ़ाई, ये ऊपर का ही है, वैसे कढ़ाई हम नीचे भी यूज कर लेते हैं, और ऊपर बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो आज तो हो रही है, इतनी देर क्या रोके हम आपको, थोड़ी देर में बस मैं भाभी को जवाब दे देती हूँ, और आँच बलती रहेगी क्योंकि आँच ही सहज सहजी होगी आराम आराम से, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप सभी से। तो मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट जब करती हैं भाभी को जवाब दे दिया है, और आँच मेरी बल चुकी है, और जब इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत सारे ऐसे मेहनबर हैं इतना प्यार करने वाले हैं मुझे, कि मैं एक दिन भी मैं वीडियो मिस कर दूँ तो वो बोलते नहीं वीडियो मिस क्यों की, आप मतलब जैसा भी वीडियो है ऐसा डाल दिया करो, ऐसा नहीं है मेरे पास वीडियो नहीं था, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालती फिर किसी की मुझे देखनी भी होती है, फिर वही बात हो जाती, फिर मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं है वीडियो डालने के बाद बस वीडियो क्यों डाल दी, वीडियो एडिट भी करनी होती है, वीडियो एडिटिंग के झाड़ू मेरे पीछे पड़े हुए, क्योंकि मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, उस कोने में पड़ी हुई है, वैसे मुझसे दूर है पर, लेकिन कैमरे में लग रहा है जैसे बिल्कुल मेरे पास है। तो जो मुझे प्यार कर रहे हैं सच में, इतना बताओ मैं कैसे हार जाऊँ, कैसे कह दूँ कि मैं वीडियो डालना छोड़ रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डालना छोड़ सकती, और आप सबके प्यार की वजह से ही मैं यूट्यूब पर हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है आप सबके साथ में। और मिलते हैं फिर आप सभी से, अभी सबके लिए फिर कचौड़ियाँ बना रहे हैं, ऊपर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है ऊपर, और
आज भी मेरी बल रही है, देखते हैं, क्योंकि गीले थे उपले, लेकिन अच्छी बल रही है आज। और मैं तेल भी ले आई थी जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया था। और मिलते हैं फिर आप सभी से थोड़ी देर में। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, आँच अच्छी बल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ी सी और आँच हो जाएगी तो कढ़ाई रख देंगे और फिर बनाएंगे कचौड़ियाँ आप सबके लिए। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से आँच बली है आज, तो धुआं धुआं हो गया था एक बार तो। और वो चप्पल भी इन्होंने दूर काटी हुई है अपनी, काफ़ी दूर, पर लगता है ऐसे जैसे कितनी पास है, काफ़ी यहाँ पर निकाल के गए हैं। और ये देखो आज बहुत मुश्किल से बली है, आज बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब एक बार बंद हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि बारिश का हो रखा है मौसम, ऐसे में ऐसे ही होता है। पर अच्छा लगा, जैसे कि आप सब जानते हो मैं सब चीज़ ऊपर लेके आई थी और बच्चे भी खाते रहेंगे, चटनी और दही भी ले आई थी, और फिर भी मैं भूल गई हूँ कुछ, आटा और ये सब लेके आई थी मैं ऊपर, वो लेके मैं कचौड़ी तारने के लिए नहीं लेके आई कुछ भी। हिमांशी वो लेके आओ बेटा, तो आप भी सब भी आ जाइए फटाफट, अगर आपको दही के साथ और चटनी के साथ पसंद है तो कचौड़ियाँ। किस किस को पसंद है बताना जरूर कमेंट करके। भाई ला रहे हैं? अच्छा ठीक है। मानसी इधर आओ, बच्चा इधर आओ, कैमरा थोड़ा दूर रखो क्योंकि सब दिखता रहेगा, फिर आराम से कैमरा वहाँ पे रखो। हाँ ये सही है। अब आप सब भी बताना क्योंकि मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी इतनी दूर से। दोबारा से चार मैंने वीडियो चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि गर्म है या ठंडा, लेकिन गर्म हो चुका है। तो ये वीडियो में अभी मुझे कैमरा इधर करना पड़ेगा, पीछे बैठेंगे कैमरे के सब, तो अभी स्टार्ट करूंगी। हाय हाय कर रहे हैं आप सभी से, और आंधी मुझे लगता है आने वाली है, मैं फटाफट बना लेती हूँ और आप सब भी आ जाइए। और आप सबको नीचे का तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ, ठीक है जी। एक बार मैं दिखा देती हूँ आप सभी को नीचे का। दिसो आप दिखाओ, और थोड़ी देर के लिए जब तक आप पीछे बिछा लो और बैठ जाओ आराम से मजे से, और ऊपर कचौड़ियाँ बनेंगी फटाफट। नहीं ये दिखा दो यहाँ का नज़ारा, हम कैसे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा, नीचे का थोड़ा सा दिखा दो, दिख रहा है? तो इस तरह से नहीं, थोड़ा पूरा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, ये सब हम इस तरह से बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में, और ये हमारी बन रही है कचौड़ी। नहीं लेके आया तू तो झरना भाई से पलटने के लिए मंगवाई ना, और मैं तो बोल रही हूँ बहुत देर से, तो अभी रोक थोड़ी देर के लिए वीडियो, थोड़ी देर के लिए अभी थोड़ी देर, क्योंकि तो ये देखिए कचौड़ी खा लीजिए आप सब भी, और अब बनाऊंगी मैं ये, देखिए दोस्तों आई एम सॉरी, क्योंकि सभी के फ़ोन आ रहे थे कि क्यों आपने वीडियो नहीं डाली, और मैंने खाना भी खा लिया और सारा सामान भी नीचे चला गया, मैं फ़ोन पे बात करती रही तब तक, और सभी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि तबीयत मेरी ठीक है, बस वो फीवर की वजह से, और वीपी हाई रहा था पीछे, उसकी वजह से वीकनेस है,
बाकी मैं ठीक हूँ, दो चार दिन में वो भी कवर हो जाएगी, ऐसे तो होता रहता है। तो मेरा ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खाना भी ऊपर मैंने फ़ोन पे बात करते करते ही खाना खाया है और सब काम मेरा फिनिश हो गया है। अब चलेंगे नीचे, कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई मैंने पहले उतार दी थी क्योंकि कढ़ाई में कुछ होता है तभी उतारनी होती है, खाली नहीं उतारनी होती। अभी हिमांश से सामान रखी गई, कढ़ाई ठंडी थी ऊपर रख गई। और बात करते करते ही मैं दूसरे फ़ोन में भी शूट कर सकती थी लेकिन इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना था। अगर मैं फ़ोन पे भी बात नहीं करती फिर भी मैं इतने बड़े वीडियो नहीं बनाती, लेकिन आप सबसे मैं उजाले में बात कर लेती क्योंकि उजाले में ही हो गया था मेरा काम और मैं बस फ़ोन पे बात करती रही, फिर बात भी हो गई मेरी और सब काम हो गया मेरा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, राम राम जी। और अभी मेरा नीचे जाने का कोई इरादा नहीं है, जब मैं जाऊँगी जब कढ़ाई लेके जाऊँगी, ढक के रख दिया मैंने। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, राम राम जी।